नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं ई विद्या चैनल्स, चैनल नंबर 8 और NCERT ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेणु भट्ट अपने इस लाइव इंटरेक्शन में, जिसमें हम बात करेंगे सोशल साइंस के 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए। और इस सेशन में हम ज़्यादा जानने वाले इंडस्ट्रीज़ के बारे में, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो क्या होता है इंडस्ट्री, क्या एम है और क्यों पढ़ रहे हैं हम, इसे आज के सत्र में आपको बताएंगे हमारे विशेषज्ञ जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स मीट हिम। यू आर मिस्टर विपुल सक्सेना, यू आर TGT सोशल साइंस फ्रॉम केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 जयपुर राजस्थान। वेरी वॉर्म वेलकम सर, स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच मैम। और इससे पहले कि हम ये सत्र शुरू करें, बहुत ज़रूरी सूचना आपने सभी व्यूवर्स के साथ, लर्नर्स के साथ शेयर करना चाहेंगे। इन केस दे हैव एनी क्वेरी या फिर आप इंडस्ट्रीज़ के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं हमारे टेलीफोन नंबर पर जो है 8800-440-559। ईदर यू कैन ड्रॉप अ मेल एज वेल ऑन आर ईमेल एड्रेस दैट इज gth.class8@cit.nic.in। और अगर आप हमारे YouTube चैनल पर हैं, यानी कि NCERT ऑफिशियल YouTube चैनल पर हैं, तो लाइव चैट बॉक्स पर जाकर अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का। हम चाहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा अपनी क्वेरीज और प्रश्नों के साथ आप हमसे हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में जुड़ें और इस सत्र का हिस्सा बने। तो सर, हम सीधे आपके पास आएंगे और हम आपसे जानना चाहेंगे इंडस्ट्रीज़ के बारे में हम बात करने वाले हैं, ज़्यादा जानने वाले हैं आज के इस टॉपिक में। तो इसके बारे में क्या कुछ है आपके पास एज अ कॉन्टेंट हमारे सभी व्यूवर्स और स्टूडेंट्स के लिए सर? आज बहुत कुछ हम जानना चाहेंगे इंडस्ट्रीज के बारे में और हमारे पास बहुत सारे कंटेंट्स हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव हैं। तो मैं आपसे अनुमति चाहूंगा कि ये सेशन मैं स्टार्ट करूं इंडस्ट्रीज के बारे में। श्योर सर, प्लीज। सो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल। आज हम बहुत रोचक विषय के बारे में जानना चाहेंगे और ये हमारे त्योहारों से भी कहीं ना कहीं संबद्ध है। आज हम त्योहारों पर जब भी मार्केट का रुख करते हैं, जब भी बाजारों की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कि पूरा मार्केट सामानों से भरा पड़ा हुआ है। कहीं कपड़े बिक रहे हैं, कहीं मिठाइयां बिक रही हैं, कहीं इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स बिक रहे हैं। और ये सब कुछ हमारे इस चैप्टर से, यानी कि हमारे इस विषय से जो आज हम चर्चा कर रहे हैं, उससे रिलेटेड है। फैक्ट्रियों में या इंडस्ट्रीज में सामान बनता है और हम तक कैसे पहुंचता है, किस तरह से अलग अलग चीजें हम तक बन के पहुंचती हैं, किस तरह से रॉ मटेरियल हमारे लिए उपयोगी सामानों में कन्वर्ट होता है, आज ये सब चीजें हम इस चैप्टर में देखेंगे। कहाँ पर ऐसी स्थितियां बहुत ज्यादा फेवरेबल होती हैं कि वहां पर ज्यादा कारखाने लगते हैं, कहीं पर कम होते हैं, तो ये सारे विषय हम आज इस इंडस्ट्रीज नामक चैप्टर में कवर करेंगे जो क्लास 8 ज्योग्राफी का है। सो वी विल स्टार्ट दिस चैप्टर विद द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव। सो टू नो अबाउट द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू द फिनिश गुड्स, We are going to understand about the how the raw material are processed and converted into the finished goods in this chapter. We'll understand the classification of the industry. There are different kind of industries: the small scale industries, the medium scale industries, the large scale industries, the agro based industries. There are different sort of classifications. So we will understand the classification of the industries also. Then we will know the factor responsible for the location of the industries. How some places are becoming more favorable for the industries like Gurgaon, like Pune, like Bangalore, like Kolkata, like Mumbai, like Hyderabad. So there are some places which are called industrial sound cities. So how these places, what are the factors which are responsible to make these places ideal for the industries? And lastly, we'll discuss about the pollution which is created by the industry. So this is the aim and objective of this chapter. Now we'll discuss the contents of this chapter, what we are going to study and what is the content in this chapter. So first we will understand the meaning of this term industry, then the classification of the industries. We'll classify the industries into different pattern, different norms, then factors affecting location of the industries, then distribution of the major industries. There are different industries in the world. And industrial pollution in the last, different kind of pollution which is created by the industries. So this is the content of this chapter. Industries बहुत आसान शब्द है और हम सब परिचित हैं इससे। हम अक्सर जब भी हम दिल्ली से बाहर जाते हैं या दिल्ली के आसपास जाते हैं, इनफैक्ट हम नोएडा की तरफ जाते हैं, गुड़गांव की तरफ जाते हैं, फरीदाबाद की तरफ जाते हैं, तो हम बहुत सारे कारखानों को देखते हैं, बहुत सारी चिमनियां देखते हैं जिनमें से धुआं निकल के आता रहता है। तो हम जनरलाइज करते हैं कि शायद ये धुआं उगलता हुआ जो ये जो कॉम्प्लेक्स है, यही कारखाने हैं, यही इंडस्ट्रीज हैं।
हम अक्सर अपने आसपास के दुनिया में ये सब चीजें ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं ये सब चीजें। और हमारा जो नई जो पॉलिसी है, न्यू इकोनॉमिक जो एजुकेशन पॉलिसी है NEP, वो भी हमसे कहती है कि हम अपने आसपास के एनवायरनमेंट से संबद्ध हों। वी शुड कनेक्ट आवरसेल्फ विद द लोकल एनवायरनमेंट, सो स्कूल टू होम एंड होम टू स्कूल। जब हम जाते हैं आसपास के चीज़ों पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, मार्केट में चीज़ें बनी बनाई चीज़ों को देखते हैं, खेतों में या आसपास की जगहों से हम निकलते हैं तो रॉ मटेरियल को देखते हैं, और इन सारी चीज़ों में जो प्रोसेसिंग वाली यूनिट्स हैं जिनको धुआं उगलते हुए आमतौर पर हम पिक्चराइज करते हैं, उनको देखते हैं। सो इंडस्ट्रीज बेसिकली रेफर्स टू एन इकोनॉमिक एक्टिविटी दैट इज कंसर्न विद द प्रोडक्शन ऑफ द गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। तो हम सिर्फ एक जनरल आइडिया ले लेते हैं कि सब सामान बनने को ही हम इंडस्ट्रीज कहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मिनरल्स जहां पर एक्सट्रैक्ट होते हैं, मिनरल्स को निकालना वो जो प्रोसेस है उसको भी हम इंडस्ट्रीज कहते हैं, और सर्विस प्रोवाइडिंग जो हमारी चीजें हैं उनको भी हम इंडस्ट्रीज ही कहते हैं, जैसे डाटा प्रोवाइडिंग है। तो हमारे जो IT टावर्स हैं, जो हमारे STPs हैं, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स वगैरह हैं, जहां पर आमतौर पर धुआं शायद नहीं निकलता है और हम उनको फैक्ट्रियां नहीं मानते हैं कि यहाँ तो बहुत अच्छा नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट है और सब लोग बड़े साफ सुथरे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं, कांच के बड़े अच्छे साफ सुथरे से कॉम्प्लेक्सेस में काम कर रहे हैं, लेकिन वो भी इंडस्ट्रीज ही कहलाती हैं। तो हमारी इस डेफिनेशन में 3 चीजें शामिल है, गुड्स, मिनरल्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स एंड प्रोविजन ऑफ सर्विसेज। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हम कॉटन इंडस्ट्रीज में कॉटन का यूज करते हैं और उसको एक्सट्रैक्ट करके प्रोसेस करके कॉटन का कपड़ा बनाते हैं, उससे फिर रेडीमेड कपड़े बनाते हैं। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज हैं, बहुत फेमस हैं, आजकल बच्चों के दिलो दिमाग पर छाई रहती हैं, नई नई गाड़ियाँ बाजारों में उपलब्ध हैं, 2-व्हीलर्स और 4-व्हीलर्स। सो इंडस्ट्रीज बेसिकली इन सब चीज़ों की एक कल्पना है। ये आप देख सकते हैं, बहुत एक लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज को हम पिक्चर लेके आए हैं आपके लिए। बहुत सारे इसमें फिल्टर्स लगे हुए हैं, ड्रम्स हैं, तो डिफरेंट प्रोसेस से होके चीजें गुजरती हैं और हमारे हाथ में जब आती हैं तो एक बहुत बड़ा एक प्रोसेस से ये होके गुजरती हैं। ये शायद हम नहीं जानते हैं, लेकिन ये बहुत एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जिससे कि होके चीजों को निकलना पड़ता है। तो रॉ मटेरियल इज बेसिकली कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स, व्हाटएवर इज द रिक्वायरमेंट दैट इज द प्रोसेस। रॉ मटेरियल इज कन्वर्टेड इनटू द फिनिश गुड्स। हम लकड़ी को एक मूर्ति भी बना सकते हैं, फर्नीचर कारखाने में ले जाके उसका वो दरवाजे भी बना सकते हैं, टेबल्स भी बना सकते हैं, फर्नीचर्स भी बना सकते हैं। एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर नीड्स, वी प्रोसेस द रॉ मटेरियल। जी सर, यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, हम अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं और आपसे भी जानना चाहेंगे, जैसे आपने बताया कि इंडस्ट्रीज में रॉ मटेरियल को फिनिश्ड गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है और बहुत ही लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज होती हैं। यहाँ पर हम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम किसी भी कंट्री की बात करें तो क्या इम्पोर्टेंस है इंडस्ट्रीज की उस कंट्री के लिए? सर, किसी भी कंट्री की जो प्रोग्रेस है उसको हम सर्विस और सेकेंडरी सेक्टर से और टर्शियरी सेक्टर की प्रोग्रेस से जानते हैं। तो जो सेकेंडरी सेक्टर हमारा विशेषकर है, जो कि हमें जिसमें इंडस्ट्रीज आती हैं, वो कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होती हैं। पहला, ये कंट्री को सेल्फ डिपेंडेंसी की तरफ ले जाती हैं। हम डिफरेंट तरीके की, जैसे आज हम इंडिया की बात करें, आज इंडिया पूरे वर्ल्ड में अपने इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस के लिए जाना जा रहा है। तो हम जब वेराइटी ऑफ द थिंग्स वी आर प्रोड्यूसिंग इन अवर कंट्री, वी बिकम सेल्फ डिपेंडेंट। तो हम वो चीज़ों को बाहर से नहीं खरीदते हैं और हमारा ये फॉरेन रिजर्व बढ़ता है, हम उन चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं रादर, और उससे हम पैसा अर्न करते हैं। सेकेंडली, इंडस्ट्रीज के आने से हमारे देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, तो इससे हमारा अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम दूर होती है और पावर्टी को एरिडिक्शन यानी कि उसकी पावर्टी एलिविएशन में मदद मिलती है, हमारी गरीबी को हटाने में मदद मिलती है। तीसरा, इंडस्ट्रीज से बहुत बड़े लेवल पर हमारे यहाँ टैक्सेज आते हैं गवर्नमेंट के लिए, तो हमारी इकोनॉमी और हमारी GDP का साइज बढ़ता है। तो इंडस्ट्रीज बहुत सारे तरीके से हमें फायदा पहुंचाती है। एक और चीज़ है, इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर को बढ़ावा देती है। जहां भी इंडस्ट्रीज आती है वहां उसके साथ जो एसोसिएट एक्टिविटीज़ है, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, चाहे वो होटल्स हो, रेस्टोरेंट हो, तो बड़े लेवल के जो चीज़ें आती हैं वो वहां पर आती हैं, और इससे सर्विस सेक्टर भी बढ़ता है, उस इलाके का पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है, लोगों को अच्छे खासी सैलरीज मिलती हैं। विशेषकर जो मल्टीनेशनल कंपनीज अगर कहीं आती हैं तो बहुत अच्छी सैलरीज वो देती हैं,
और इससे लोगों की पर कैपिटा इनकम बढ़ती है। तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लार्जली इट डिपेंड्स अपॉन द इंडस्ट्रियल ग्रोथ, और हम बहुत लकी हैं कि इंडिया हर तरह के सामान आज बना रहा है, हर तरह के डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन वी आर मेकिंग इन अवर कंट्री एंड वी आर एक्सपोर्टिंग टू द डिफरेंट एरियाज। राइट सर, ये हमारा एक ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का एक असेंबली लाइन है जिसको हम असेंबली लाइन के नाम से जानते हैं। हेनरी फोर्ड ने ये इंट्रोड्यूस किया था यूनाइटेड स्टेट्स में जब फोर्ड मोटर्स उन्होंने आगे बढ़ाई थी, और ये असेंबली लाइन आजकल सभी जगह पर इस्तेमाल की जाती है, तो फैक्ट्रीज का आज ये अंदर का नजारा है। ये हमारे देश की शान, मेक इन इंडिया का जो प्रोग्राम चल रहा है वो मेक इन इंडिया इज काइंड ऑफ comprehensive and large scale program which is being launched by the central government of India to make India self dependent। और आज बहुत ही खुशी की बात है कि आज हमारे यहाँ पर semiconductor और chip जो पहले कहीं नहीं बनते थे शायद हमारे यहाँ बन रहे हैं। Apple iPhone बनने लग गए हैं हमारे यहाँ, Samsung की दुनिया की सबसे बड़ी factory इंडिया में लग गई है, और न केवल इन्हीं सब चीजों से बल्कि weapons जो arms and ammunition है उसमें भी आज हमारे देश की companies बहुत सारी इंडिजीनियस कंपनीज, अगर हम बाहर की बात तो ना करें अगर हम इंडिया की बात करें जैसे टाटा है, लार्सन एंड ट्रूबो है, वो बहुत बड़े लेवल पर चीजें बना रही हैं। और हम स्पेस टेक्नोलॉजी में भी अपना इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करना हमने स्टार्ट कर दिया। क्रायोजेनिक इंजन जो बहुत ही स्पेशलाइज चीज मानी जाती है अब इंडिया बना रहा है। तो मेक इन इंडिया अब बहुत सक्सेसफुल होता जा रहा है और हमारा शेयर अब बहुत ज्यादा आज दुनिया भर में छाया हुआ है। इंडिया की जो पिक्चर है वो ट्रूली इट इज डोमिनेटिंग द वर्ल्ड एंड इट इज बिकमिंग अ प्राइड टू अस। राइट जी, अगर हम क्लासिफिकेशन करें इंडस्ट्रीज को, अगर बांटें कि भाई कौन सी इंडस्ट्री किसमें आती है, तो हम अपने घर पर देख सकते हैं। हम बहुत लाइवली एग्जांपल्स लेंगे और अपने घर के एग्जांपल्स से हम इन चीजों को समझेंगे। अगर हम एग्रोवेज इंडस्ट्री का एग्जाम्पल लें और हमारे त्योहारों की बात करें, तो हमारे घर में जो शक्कर आ रही है अभी, जो मिठाइयां बनाने के और बड़े सुंदर सुंदर पकवान बनाने के काम आएगी, वो एग्रो बेस इंडस्ट्री का एग्जांपल है। शुगर केन इंडस्ट्री, तो शुगर केन से शुगर इंडस्ट्री, शुगर केन इज अ रॉ मटेरियल, सो व्हेन द रॉ मटेरियल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एग्रीकल्चर फील्ड, एग्रीकल्चर सेक्टर, इट इज कॉल्ड एग्रो बेस इंडस्ट्री। तो बहुत छोटा सा एग्जाम्पल बताया, शुगर केन एंड शुगर, कॉटन एंड कॉटन मेड आइटम्स लाइक द रेडीमेड कॉटन शर्ट्स, मिनरल बेस इंडस्ट्रीज, हमारे हर घर में पाया जाता है नमक, सॉल्ट, सॉल्ट इज अ मिनरल, तो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। फिर हमारी जो ट्रांसपोर्टेशन के जो मटेरियल्स हैं जितने भी, लोहा, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री, तो ये सारी इंडस्ट्रीज जिसमें कि मिनरल्स का इस्तेमाल होता है वो मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री। वी कैन टेक अनदर क्लासिफिकेशन, एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, बाजारों में जाते हैं हम लोग, लेदर शूज लेते हैं, लेदर के हैंडबैग्स लेते हैं, और कुछ चीजें अब शायद बैन भी हो गई हैं जिनको कि हम इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि हमारे जो जानवर होते हैं उन पर भी शायद प्रेशर पड़ता है और उनका उनके साथ कहीं ना कहीं दिक्कत होती है। तो एनिमल बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम ले सकते हैं डेयरी इंडस्ट्रीज को, हम ले सकते हैं लेदर इंडस्ट्रीज को ले सकते हैं, फिर मेरीन बेस्ड इंडस्ट्रीज में हम लोग सॉल्ट को ले लेंगे, फिश प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज को ले लेंगे। तो ये एक ब्रॉड डिविजन है, बहुत दूसरे तरीके के डिविजन भी हम कर सकते हैं, वी कैन फर्दर डिवाइड द इंडस्ट्रीज इंटू डिफरेंट कैटेगरीज, but this classification is based on the raw material, on the basis of raw material, agro base, mineral base, animal base and marine base, means oceanic base. Industries mein hum private, public, joint aur cooperative bhi le sakte hain. Private industries sab log jante hain, jaise hum agar hum baat kare Tata Industries ki, bahut बड़ी इंडस्ट्रीज है इंडिया की टाटा इंडस्ट्री, और वो मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया की है जो बहुत देशों में काम कर रही है। इसी तरह से हम महिंद्रा की बात करें, हम अंबानीज की बात करें, बिरला की बात करें, बिरला ग्रुप की, तो जो जो भी इंडस्ट्रीज प्राइवेट एंटरप्राइजर्स द्वारा ऑन की जाती है या ग्रुप द्वारा ऑन की जाती है उनको हम प्राइवेट, दिस इज द क्लासिफिकेशन विच इज बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, हु इज द ऑनर ऑफ द इंडस्ट्रीज। सो प्राइवेट इंडस्ट्रीज मीन्स इट इज ओन्ड बाय द private individuals or the group of the people. So there are different examples and everyone is familiar with these examples, like the Tatas, like the Birlas, like the Manis, bahut sare examples hum le sakte hain. Public sector is a public sector means it is associated with us, means the government. So government, when the government own any company,
दैट इज कॉल्ड द पब्लिक सेक्टर कंपनीज। और हमारी जो कंपनीज हैं सरकारी कंपनियां, वो भी किसी से पीछे नहीं है। पूरे दुनिया में धाक जमी हुई है आज ONGC की, आज पूरी दुनिया देख रही है टेक्नोलॉजी BHEL की, आज पूरे दुनिया के लोग लोहा मान रहे हैं BEL यानी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का और उसकी बनाई हुई EVM का। अमेरिका से लेकर, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका से लेकर इंग्लैंड भी कायल है हमारी मशीनों पे। तो ये सब हमारे जो करिश्मा किया है, हमारे गवर्नमेंट की यानी पब्लिक सेक्टर की एंटरप्रेनर्स ने किया है। और दर्शकों को एक और बात मैं जानकारी देता चलूं साथ ही साथ, बहुत अच्छी जानकारी है कि हमारी कुछ कंपनियां बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो रही है, न केवल इंडिया में बल्कि बाहर भी। तो सरकार ने ऐसी कंपनियों को अकबर के जो दरबार में जैसे नवरत्न हुआ करते थे, जो पूरे देश की शान हुआ करते थे, वैसे ही नवरत्न का दर्जा दिया है और कुछ कंपनियों को महानवरत्न का दर्जा दिया है। ये कंपनियां बहुत ज्यादा फायदे में है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के स्टेज में है और ये रिसर्च में बहुत ज्यादा नाम कमा रही है। तो हमारी कंपनियां जैसे NTPC है, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन है, ONGC है, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन, सेल है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, BHEL भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जो बेंगलोर में और हरिद्वार में और भोपाल में जिनके कारखाने हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक पैनल से लेके और हमारे इंजन बनाती हैं, इलेक्ट्रिकल इंजन्स जो रेलवे में काम आते हैं, वो सब पब्लिक सेक्टर के एंटरप्रेनर्स हैं। तो ये नवरत्न कंपनियां आगे भी बढ़ती जा रही हैं और अब पहले तो 9 कंपनियों को दर्जा दिया गया था और आज ये इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो ये सक्सेस है हमारे पब्लिक सेक्टर का। जॉइंट सेक्टर जो हमारा तीसरा सेक्टर है, ये दोनों मिलके चलाते हैं, पहला हमारा प्राइवेट और पब्लिक, ये दोनों मिलके इसको ऑन करते हैं। बहुत समय पहले हमारे यहाँ एक सपना देखा गया था कि एक छोटी सी कार हो जी। तो हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रीज की और जैसा आपको दिखाई दे रहा है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप 4 तरह के इंडस्ट्रीज आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रही हैं, प्राइवेट, पब्लिक, जॉइंट और कोऑपरेटिव। तो ये अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज हैं जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज वी कैन से सो। और हम यहाँ पर आपको इंडस्ट्रीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं, आपको काफ़ी बातें बताई कि इंडस्ट्रीज का एम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है और किस तरह से वो किसी भी कंट्री के लिए कितनी इंपॉर्टेंस रखती हैं, और उसके लिए आपके क्लासिफिकेशंस बताई हमने। और अगर आपके मन में इन सब के अलावा भी कोई क्वेरी हो तो आप अपनी सभी क्वेरीज हम तक पहुंचा सकते हैं फ़ोन कॉल के माध्यम से। आप हमें कॉल करेंगे, हमारा टेलीफोन नंबर है 8800440559। आप ईमेल के माध्यम से भी हमसे जुड़ सकते हैं, हमारा ईमेल एड्रेस है dth.class8@cid.nic.in। और अपनी जब आप हमें अपना फीडबैक बताएं, जो हमें बहुत अच्छा लगेगा आपका फीडबैक सुनना, तो आप इस सेशन की सारी डिटेल्स हमें ज़रूर लिखें, हमारे एक्सपर्ट का नाम और आप क्लास और टॉपिक ज़रूर बताएं जी। और इन सब के अलावा आप अगर हमारे YouTube चैनल पर हैं तो आप NCERT ऑफिशियल YouTube के लाइव चैट बॉक्स में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। ये सबसे तेज़ माध्यम है हमसे जुड़ने का और हम चाहते हैं कि आप अपनी ज़्यादा से ज़्यादा बातों के साथ हमसे जुड़ें हमारे इस लाइव इंटरेक्शन में। हम यहाँ पर अपने सभी देखने वालों को बता दें NCERT की पाठ्य पुस्तकों से संबंधित एक बहुत ज़रूरी सूचना हम आप सभी के साथ साझा करें। शैक्षणिक सत्र वर्ष 2023-24 के लिए NCERT की पाठ्य पुस्तकें देश भर में उपलब्ध हैं। आप ये पाठ्य पुस्तकें NCERT के बिक्री केंद्रों से जाकर ले सकते हैं जो कि नई दिल्ली, अहमदाबाद, बंगलुरु, कोलकाता और गुवाहाटी में स्थित हैं। ये बिक्री केंद्र प्रातः 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यरत रहेंगे, पूरे सप्ताह सभी सरकारी छुट्टियों के साथ साथ शनिवार और रविवार को भी। यदि किन्हीं कारणों से आप यहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो आप ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। आपको जाना होगा हमारी वेबसाइट पर जो है ncertbooks.ncert.gov.in। सभी पाठ्य पुस्तकें आपको आपके घर पर निःशुल्क डिलीवर की जाएंगी। अगर आप इसका PDF वर्जन में सॉफ्ट कॉपी चाहते हैं तो वो सुविधा भी उपलब्ध है। आप जा सकते हैं NCERT दीक्षा ई पाठशाला वेबसाइट और हमारे मोबाइल ऐप पर। हम आपसे निवेदन करेंगे कि आप हमारी वेबसाइट ncert.nic.in पर विजिट ज़रूर करें ताकि आपको सभी ऑथराइज वेंडर्स की डिटेल प्राप्त हो। हम एक बार फिर से कोशिश करेंगे अपने एक्सपर्ट से बात करने की। हेलो विपुल सर, आपको हमारी आवाज़ आ रही है? सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है, आपको अपना माइक अनम्यूट करना पड़ेगा। यू नीड टू अनम्यूट योरसेल्फ सर।
Sir, we are not able to hear you. I guess I am audible to you, sir. सर आपकी आवाज़ हम तक नहीं आ रही है. मुझे लगता है कि कुछ आपको आपका ऑडियो सेटिंग एक बार चेक करना होगा. तो अपने सभी व्यूअर्स को हम बता दें कि हम 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स के लिए, सोशल साइंस के स्टूडेंट्स के लिए हम ये टॉपिक लेकर आए हैं. इंडस्ट्रीज पे बात कर रहे हैं हम. हेलो विपुल सर, विपुल सर आर यू देयर? यस मैम, आवाज आ रही है मैम? यस सर, अब आवाज आ रही है जी मैम. मैं माफी चाहूंगा, ये टेक्निकल फॉल्ट था एक्चुअली. देयर वाज अ टेक्निकल फॉल्ट ड्यू टू द मेंटेनेंस ऑफ द दिवाली एंड इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट. सो नॉट एन इशू सर, वी स्टिल हैव 3 मोर मिनट्स लेफ्ट इन दिस सेशन. यू कैन कंटिन्यू सर, यू कैन रैप अप योर सेशन इन 3 मिनट्स सर. ओके मैम. तो जॉइंट सेक्टर में हम लोग मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले सकते हैं, और कोऑपरेटिव सेक्टर में मेरे पास बहुत बढ़िया एग्जांपल है. मैं अपनी अगली स्लाइड में इसको बताऊंगा. ये जो हम स्लाइड हम देख रहे हैं, ये हमारा कोऑपरेटिव सेक्टर है, और ये हमारा अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया. मैम आप इसको देख पा रहे हैं? मेरे ख्याल से मेरे दर्शक जो हैं वो इसको देख पा रहे होंगे. अमूल द टेस्ट ऑफ इंडिया सर हमें नहीं दिखाई दे रही है, बट आप वर्बली हमें बता सकते हैं सर. ठीक है, मैं इसके बारे में बताता हूँ. अमूल घर घर की जो शान है वो हमारी पहचान है, और ये कोऑपरेटिव सेक्टर में हम लोग इन चीजों को बनाते हैं. तो जो फैक्टर्स हैं इंडस्ट्रीज को, मैं आपको बता दूं कि हमारे जो कुछ लोकेशंस हैं, जैसे कि गुड़गांव है, दिल्ली है, और मुंबई है, कोलकाता है, चेन्नई है, ये सब बहुत अच्छे सेंटर्स हैं हमारे. और क्यों अच्छे सेंटर्स हैं कि यहाँ पर रॉ मटेरियल मिलता है, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन की बहुत अच्छी फैसिलिटीज हैं, प्रॉक्सिमिटी टू द मार्केट है. ये सब चीजों के कारण ये चीजें जो हैं, ये सेंटर्स बहुत अच्छे इंडस्ट्रियल सेक्टर्स बन चुके हैं. लेकिन लास्टली जो इस सेशन को मैं जब वाइंड अप करूंगा, इसको सम अप करूंगा, तो मैं एक बहुत ही एक निराशाजनक चीजें भी हम सबको डिस्कस करनी चाहिए, वो है इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन. बहुत सारे हमारे इंडस्ट्रियल जो सेंटर्स हैं इंडिया के, वहाँ आसपास जो पॉल्यूशन है वो डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन वी ऑब्जर्व. तो सभी लोग ये ऑब्जर्व करते हैं, और ये पूरे दुनिया की बात है, शायद हमारे देश की बात नहीं है. और हमारा देश बहुत अच्छे तरीके से इस पॉल्यूशन को लड़ रहा है, इसका सामना कर रहा है. डिफरेंट काइंड ऑफ पॉल्यूशन इज क्रिएटेड थ्रू द इंडस्ट्रीज लाइक एयर, वाटर, सॉयल एंड साउंड पॉल्यूशन. एयर पॉल्यूशन के बारे में हम बहुत चर्चा करते हैं, इसका लेवल भी हम हवा का चेक करते हैं आजकल, और बहुत ज्यादा कंसर्न है हर व्यक्ति के लिए. कहीं ना कहीं हम उसके लिए इंडस्ट्रीज को दोषी ठहराते हैं, लेकिन हमारे वाहन जो चलते हैं वो भी इसके लिए दोषी हैं. तो केवल हम इंडस्ट्रीज को ही दोषी न ठहराएं इसके लिए, एयर पॉल्यूशन के लिए. इंडस्ट्रीज में आजकल काफी सारी नई टेक्नोलॉजीज भी आ गई हैं, जिससे कि एयर फिल्टर्स लगा कर हम लोग एयर के पॉल्यूशन को चेक करते हैं. वाटर पॉल्यूशन के लिए हमने ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए हैं, गवर्नमेंट बहुत अपनी तरफ से कोशिश कर रही है, इंडस्ट्रियलिस्ट भी कोशिश कर रहे हैं. सॉयल और साउंड पॉल्यूशन इज ऑल्सो ए मेजर प्रॉब्लम नियर द इंडस्ट्रियल सेंटर्स. तो हम लोग ये देखते हैं कि ये जो पॉल्यूशन की जो प्रॉब्लम है, ये एक यूनिवर्सल प्रॉब्लम्स हैं, और इसको टैकल करेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब यही है कि हम डेवलपमेंट भी करें, और वो फ्यूचर के लिए भी हो, विकास भी हो, और साथ ही साथ हम एनवायरमेंट का ध्यान रखें. तो इंडस्ट्रीज के साथ साथ हमें एक मैसेज ये भी देना है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंडस्ट्रीज, ये दोनों हमारे लिए बहुत जरूरी है, देश की डिपेंडेंसीज के लिए, हमारी इकोनॉमी के साइज को ग्रो करने के लिए, जीडीपी को बनाने के लिए, हमारा ये सब चीजें होना बहुत जरूरी है. लेकिन साथ ही साथ हमारे को जो पॉल्यूशन का लेवल है, जो हमारी जो इसके साथ जो प्रॉब्लम्स है एसोसिएटेड, उसका भी कहीं ना कहीं हल निकालना होगा, तभी हम लोग सस्टेनेबल तरीके से आगे बढ़ पाएंगे. एग्जैक्टली सर, जैसे आपने कहा कि पोल्यूशन जो है इट्स अ ग्लोबल इशू, वी कैन से सो, कि सिर्फ इंडस्ट्रीज की वजह से नहीं, उसका सोल्यूशन भी हमें ढूंढना है. अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ जाना चाहते हैं तो इस दिशा में भी हमें सोचना होगा. हमें सर समय अनुमति नहीं दे रहा है हमें सत्र को आगे बढ़ाएं, लेकिन हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं विपुल सर कि आप हमसे जुड़े, और आपने इतने अच्छे तरीके से ये चैप्टर हमारे सभी लर्नर्स को एक्सप्लेन किया. थैंक यू सो वेरी मच सर. थैंक यू सर. अपने सभी देखने वालों को हम कहेंगे कि इस सेशन को हम यहीं पे वाइंड अप कर रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए, आप बने रहिए ई विद्या चैनल और एनसीईआरटी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर. एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद अपने एक और लाइव इंटरेक्शन के साथ हाजिर होंगे जो कि वेबिनार है. अभी फिलहाल मुझे रेणु भट्ट को दीजिए अनुमति. नमस्कार.